हेलो फ्रेंड, वेलकम टू श्रीगढ़। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए पिछले वर्ष के रीजनिंग के क्वेश्चन। आप देखेंगे कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें आप सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें से निम्नलिखित में से अनोखा है उसे मालूम करें, यानी इसमें से कौन सा भिन्न है ये बताइए। तो हम देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 1 है, 8 है या 27 है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्यू बनना है यहाँ पे। तो 1 का क्यू है यहाँ पे, क्या 2 का क्यू है यहाँ पे, 3 का क्यू है, उसी प्रकार यहाँ 36 देखो ये स्क्वायर हो गया, तो यही भिन्न है। तो इसका आंसर क्या है, सी। आप देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। अगर आपने पिछले वाली वीडियो देखे हैं तो आप इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी आसानी से बना लोगे, और आपको कम से कम क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए। इसी प्रकार हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नीचे दी गई संख्याओं की श्रेणी में जो संख्या गायब है उसे प्रश्न चिन्ह से दर्शाया गया है। नीचे दी गए विकल्पों में से गायब संख्या को चुनें, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम दोनों का अंतर देखेंगे, यहाँ पे देखना दोनों का अंतर कितना, 6 का। उसी प्रकार इन दोनों का अंतर देखो 8, इन दोनों का अंतर क्या है, 10। अब यहाँ पे अंतर क्या, अब ये दो दो बढ़ रहा है, यहाँ पे 6 था, यहाँ 8, यहाँ 10, तो यहाँ पे 12 का अंतर हो जाएगा। अब यहाँ पे संख्याएं आपस में बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे भी बढ़ जाएगी, यहाँ पे 30 में अगर 12 जोड़ दें क्या 42, तो आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन को आपको करने में 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे एग्जाम में। ऐसे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन श्रेणी के अंतर्गत नहीं है, यानी इसमें से भिन्न कौन सा है। तो यहाँ पे भी देखो कि 8, 27, 50, 125, 347, तो कौन सा भिन्न लग रहा है आपको, तो 50 लग रहा है, क्योंकि ये सब सारे क्यू है, या 2 का क्यू है, 3 का क्यू है, या 5 का क्यू है, या 7 का क्यू है। अब आपको क्यूब याद है तो पहचान लोगे, नहीं क्यूब याद है तो नहीं पहचान पाओगे जल्दी, तो आंसर हो गया अभी। ये 1 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन है क्या, नहीं है। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अगली संख्या श्रेणी में क्या है। तो इन ये है 765 है, यहाँ पे 642 है, 519 है, 396 है, 273 है। अब यहाँ पे पूछ रहा है इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। अब ये सबसे पहले वही करेंगे हम, दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर कितने का, देखो यहाँ 5 में से 2 घटाओ 3, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 6 गए 1, तो यहाँ पे 130 का अंतर है। उसी प्रकार हम इन दोनों का अंतर देखेंगे, 2 में से 9 गए तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 1 हासिल लेंगे, 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा यहाँ पे। उसी प्रकार यहाँ पे 3 रह जाएंगे, 3 में से गया 2, ऐसे 6 में से 5 घटाएंगे 1, यानी इन दोनों का सेम अंतर हो रहा है। ऐसे इन दोनों का भी सेम ही अंतर होगा, 130 ही आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 11, 2, 130, तो यहाँ पे भी 130 ही होगा, यहाँ पे भी 130 होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 765 से 642 यानी घट रहा है, तो यहाँ पे भी घटा देंगे, तो 273 में से 130 घटाएंगे तो 150 बचेगा, आंसर हो गया सी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में कौन सी संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान में कौन सी संख्या आनी चाहिए। वही है, डिफरेंस करके देखो इन दोनों का अंतर क्या है, 3, ऐसे ही इन दोनों क्या अंतर है, 4, यहाँ पे क्या है, 5, यानी एक एक करके बढ़ रहा है, ऐसे ही 6 होगा यहाँ पे अंतर इनका, तो यहाँ पे क्या जोड़ दो इन पे, तो कितना आएगा यहाँ पे, अगर 8, 6, 44 होता है, बी आंसर हो गया। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखें, इस श्रृंखला में कौन सी संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आनी चाहिए। आप सबसे पहले पीछे की यहाँ पे अंतर देख लो, यहाँ पे 8 का अंतर है, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 12 का, तो कितना हो रहा है, इधर तो बढ़ रहा है तो इधर घट रहा होगा, तो 8 में 6 घटा, 2 घटा तो 6 आएगा यहाँ पे। अब इन दोनों का 6 का अंतर होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 आएगा, आंसर हो गया सी। ये क्वेश्चन देख के ही आंसर मानने के, उससे ज़्यादा इनमें टाइम नहीं लगेगा, ये पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।